सर, ये तो इसलिए है कि जी हम पहली बार अपने घरों से पर्दों के बिना और नकाबों के बिना आकर इस तरह से खड़े हुए हैं, तो ये समझिए कि आप जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, आज वो इस तरह से रास्तों पर सड़कों पर खड़ी हैं अपने अधिकार के लिए, क्योंकि संविधान के अंदर ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी नागरिक नहीं व्यक्ति के साथ में नहीं कर सकते आपके धर्म के आधार पर भेदभाव। अब हम CAA के खिलाफ इसीलिए खड़े हुए हैं यहाँ पे कि जी इसमें या तो मुसलमानों को जगह दी जाए, जो भी लोग बाहर से आते हैं वो परेशान ही होंगे, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, जैसे सब लोगों को इन्होंने नागरिकता देने का कहा है सिटीज़न अमेंडमेंट के अंदर कि बुद्ध को देंगे, हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों का नाम नहीं लिया है इसके अंदर, वो भी तो सर इससे परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो BR अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी उसमें सबको समानता का अधिकार दिया था, हिंदू को, मुसलमानों को, हर नागरिक को उन्होंने समानता का अधिकार दिया था। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो इतना साइलेंटली आप लोग इतने धैर्य के साथ, इतने सब्र के साथ कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका आप राज बताइए ताकि दूसरे लोग जाने। सर ये तो इसलिए है कि जी हम साइलेंटली अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि जी हम कोई उग्र नहीं है किसी भी चीज़ में हम ये है कि हम वायलेंट नहीं होना चाहते, हम तो आराम से खड़े होके बिल्कुल साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं।